نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आज हम शुरू करेंगे मक्का और मदीना में मार्के की खबर. राइट, यहाँ से स्टार्ट करना है हमने. यही है ना, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पहले. और इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, कौन सी चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. बदर का किस्सा सारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया. और उसके बाद हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन तक बदर में रहे थे. 3 दिन तक. और उन 3 दिनों में एक काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो क्या था, जो अभी तक हमने पढ़ा है, क्या काम किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ याद है आप लोगों को? जो काफरों के लोग जहन्नम वासिल हुए थे उनको क्या किया था, उनको कुएं में डाल दिया था. ठीक है. और जो मुसलमानों में शहीद हुए थे उनके, जी इसका मतलब है हमने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफरों के भी कब्रों यानी काफरों के भी जिस्मों को, मुर्दा जिस्मों को वैसे ही नहीं छोड़ दिया था, बल्कि उनको भी ठिकाने लगाया गया था. वरना जानवर उनको खा लेते या उनकी बेहुरमती होती उनकी लाशों की. तो उससे इसमें भी आपको पता चलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना रहमत का, कि दुश्मन के साथ भी किस तरह रहम का मामला फरमाया. एक और आपको बात इसमें बता दूं कि जो सबसे पहले शहीद होने वाले थे, बाज और भी रिवायात हैं, हारिसा की भी हैं, हारिसा की भी रिवायात में आता है कि हारिसा थे जो सबसे पहले शहीद हुए थे, एक जवान थे. और बाज रिवायात में आता है महजा बिन साले, ये बहकी में दलाल नबुवा में, जो हजरत उमर के आजाद करदा गुलाम थे. इसको आप लिख लें अपने पास, महजा मीम हे जीम आइन, और हे दूसरी वाली हलवे वाली नहीं, महजा बिन साले, ये हजरत उमर के गुलाम थे. और दुनिया वाले देखें इनको गुलाम समझते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन इनको सैयदु शुहदा का खिताब दिया था. सैयदु शुहदा, सुभान अल्लाह, यानी बदर के शहीदों के सरदार समझ लें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यौमा इज़िन महजाउ सैयदु शुहदा, यानी बदर के शहीदों में सरदार जो है वो महजा है. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें एक इंसानियत नवाजी, आप देख लें कि गुलाम को सैयदु शुहदा का लकब दिया. हालांकि आपको पता है कि गुलामों को उस जमाने में क्या समझा जाता था, ये कुछ भी नहीं, भेड़ बकरियों से ज्यादा उनको कीमत नहीं दी जाती थी. और देखिए यहाँ पे इनको सैयदु शुहदा का खिताब मिला. और शुहदा में हजरत साद बिन अबी वक्कास के एक छोटे भाई थे वो भी शामिल थे. इस तरह और भी शुहदा थे, लेकिन आपको पता है कि जो काफिर थे वो 70 आदमी थे और इनमें 24 जो थे सरदार थे, बड़े सरदार थे काफरों के. और इनकी लाशों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बदर के कुएं में फेंक दिया गया था. और उनमें इनका एक जो सरदार था उतबा बिन रबिया, जो मैंने बात पहले भी आपको कही थी कि अबू हुजैफा का बाप, अबू हुजैफा एक सहाबी है उनका बाप. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तसल्ली दिलाई थी अबू हुजैफा को, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा बाप जो है इतना हिकमत वाला है, इतना वाइज आदमी है, तो ये ईमान ले आएगा. लेकिन वो ईमान नहीं लेकर आया. इसी तरह एक और वाकया के काफरों का एक सरदार था उबैदा बिन सईद बिन अल आस, वो उस दिन ऐसी जीरा पहने हुए था कि उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी. जैसे हम तालूत और जालूत के किस्से में पढ़ा था ना कि जालूत कैसे था और दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको किस तरह से मारा, उसकी भी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी और उठा के पत्थर गुलेल में रख के मारा था. तो इस आदमी की भी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी. और इसने चैलेंज दिया था कि मैं अबू जातिल करश हूँ, इसका इसका लकब था.
तो है कोई जो मेरा मुकाबला करे? क्योंकि इसके पूरे जिस्म पे लोहे का लिबास चढ़ा हुआ था, इसलिए हजरत जुबैर बिन अवाम ने इसकी आंखों का निशाना लिया था। हजरत जुबैर बिन अवाम कौन थे, कुछ पता है आप लोगों को? हजरत अस्मा के शौहर। शाबाश। तो उन्होंने एक छोटा सा नेजा लिया था और इसकी आंखों को निशाना बनाया था, और वो जो छोटा सा नेजा था वो उसकी आंखों में घुस गया और वहीं पे वो जहन्नुम वासिल हुआ। हजरत जुबैर कहते हैं कि मैंने इसकी आंख से हरबा निकालने के लिए बड़ा जोर लगाया, मगर वो इसकी आंख में बुरी तरह धंसा हुआ था। चुनाचे मैं इसके जिस्म पर चढ़ गया और इतनी कुव्वत से घुमा घुमा के हरबा निकाला कि इस पर दंदाने पड़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जुबैर से मांग लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत जुबैर ने उसको वापस ले लिया। फिर इनसे अबू बकर सिद्दीक ने मांग लिया। उनकी वफात के बाद ये जो हरबा था ये हजरत उमर ने मांग लिया। फिर हजरत उस्मान की शहादत के बाद ये हजरत अली के घराने के पास आया और फिर उनसे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मांग लिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? इन्हीं के बेटे, जुबैर बिन अवाम के, जो सबसे फर्स्ट बॉर्न थे, मदीना में आए थे तो सबसे पहले ये पैदा हुए थे। तो इससे आपको पता चलेगा कि हजरत जुबैर कितने माहिर निशानाबाज थे, कितनी जबरदस्त कुव्वत वाले थे और कैसी उनकी महारत थी। अच्छा जी, आगे हम शुरू करते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पेज नंबर 196 है मेरी बुक में, आप लोग देख लें आपकी बुक में कौन सा है। तजल्लियात नबुवत, मक्का और मदीना में मार्के की खबर। मक्के में शिकस्त की खबर भागने वाले मुशरिकीन के जरिए पहुंची, जिससे उन्हें बड़ी जिल्लत और रुसवाई महसूस हुई, हत्ता के इन्होंने दीन और नोहर रोक दिया ताकि मुसलमान खुश ना हो। अच्छा, लुत्फ ये हुआ कि अस्वद बिन मुत्तलिब के 3 बेटे मारे गए और इन पर वो नोहा करना चाहता था। उसने एक रात एक नोहा करने वाली औरत की आवाज सुनी तो समझा कि इजाजत मिल गई है और झट अपने गुलाम को हकीकत मालूम करने के लिए भेजा। अच्छा, अब ये एक और बात जो डिफरेंट है यहाँ पे कि मक्का में मुशरिकी ने मक्का को जो तरीका था, वो जब उनका कोई मर जाता था तो बहुत नूहा करना, जाहिलियत के जमाने की जो बातें होती हैं, आज भी हमारे जाहिल कल्चर में यही चल रहा है। नूहा करना, बैन करना, ऊंची ऊंची आवाजों में रोना, कपड़े फाड़ना, ये उनका तरीका था। तो क्या हुआ कि जब ये खबर वहां तक पहुंची है मुशरिकीन तक, पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया। हुआ ये कि एक आदमी आया, उसका नाम था हैथमान। हैथमान जब पहुंचा और वो बुरे हालों में था और उसने आके ये बताया कि ऐसे ऐसे ये मसला हो गया है, मुसलमानों ने कुफार को शिकस्त दी है और ये मामला हुआ है। तो जब उसने आके ये बताया और बड़े बड़े सरदारों के नाम लिए कि फलां भी मारा गया, फलां भी मारा गया, उतबा, रबिया, शैबा, अबू जहल, हिशाम बिन अमर कहते थे उसका नाम, तो ये था अबू जहल तो बाद में। तो ये इब्ने खुजा यानी खुजाई कबीले से था। तो लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, कैसी तुम बात कर रहे? लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गया, लोगों को एतबार नहीं आया। तो इतने में सुफवान बिन उमैया, ये उमैया बिन खल्फ का बेटा है, सुफवान बिन उमैया, तो सुफवान बिन उमैया जो था वो काबे के साथ टेक लगाए बैठा था। जब उसने ये देखा कि ये आदमी आके इस तरह की खबरें दे रहा है, तो उसने कहा कि पागल हो गया, उससे पूछा, इससे जाके पूछो कि सुफान बिन उमैया कहाँ है। इसलिए कि उसने सोचा कि हर एक का कह रहा ना, वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया, तो कहेगा सुफान बिन उमैया भी मर गया। तो उसने कहा कि बताओ सुफान बिन उमैया कहाँ है। लोगों ने पूछा तो कहने लगा वो तो वहां बैठा है, लेकिन इसका बाप उमैया बिन खल्फ, मैंने उसको खुद देखा कि उसको घसीटे हुए ले जाया जा रहा था और वो भी मारा गया। अब लोगों को यकीन आने लगा कि ये वाकई इस तरह का वाकया हो गया और मक्का में मुशरिकीन की उसके बाद आहुजारी, रोना पीटना और नोहागिरी सुनी नहीं जाती थी। घर घर मातम, घर घर मातम। और वो आतिका की जो ख्वाब थी, आपको बताया था ना आतिका ने ख्वाब देखी थी,
वो वाकई पूरी हो गई, हर घर में घर में मातम था। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं कि मुशरिकीन ये सूरत हाल देख के बड़े शर्मिंदा से हुए कि हमारे तो घर घर में मातम बिछ गया। अबू लहब का तो ये हाल हो गया था कि वो जैसे पागल सा हो गया। उसने पहले कहा कि मैं तो ये यकीन ही नहीं करता, इसलिए कि इन लोगों को ऐसे था कि हो ही नहीं सकता। और ये एक आदमी ने आके खबर क्यों दी, क्योंकि ये लोग इस कदर कॉन्फिडेंट थे कि हम जीतेंगे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि अगर हम हार गए तो हम वापस आके रीग्रुप कहाँ करेंगे, कहाँ आके मिलेंगे। इसलिए कोई जिधर को जिसका मुंह हुआ वो उधर भागा, कोई उधर भागा, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। और इस तरह से जो पहला आदमी पहुंचा उसने जब आके खबर दिया तो उसको कह रहा फलां मारा गया, फलां मारा गया, फलां मारा गया, सबके नाम लेता जा रहा है और इनको यकीन नहीं आ रहा। उसने कहा अबू लहब ने, जब तक अबू सुफियान वापस नहीं आता और आके इत्तला नहीं देता मैं यकीन नहीं कर सकता। जब अबू सुफियान आया तो हजरत अब्बास के घर पे ये दोनों मिले। हजरत अब्बास क्या लगते हैं अबू लहब के भाई? अच्छा, अब जब उनके घर पे ये दोनों इनकी मीटिंग हुई तो अबू सुफियान ने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा कि वल्लाही जो ही हम मुसलमानों से मिले तो हम पे गलबा पा गए, हमारे कुछ करने से पहले ही उन्होंने जिसको चाहा मारा और जिसको चाहा कैदी बनाया, और इसके बावजूद मैं अपने लोगों को इंजाम नहीं देता, इसलिए कि वल्लाही मैंने देखा एक जमात थी जिसके सफेद चेहरे थे और वो चितकुबरे सफेद और सियाह रंग के जो घोड़े थे उन पर सवार थे, आसमान और जमीन के दरमियान ऐसे वहां से आ रहे थे और हम उन पर गलबा नहीं पा सकते थे। यानी अब इसको कहां से पता चला, ये तो था नहीं साथ, इसको जो लोगों ने बातें बताई। जब अबू लहब को ये पता चला तो उसको तो एक तो काइंड ऑफ डिप्रेशन हो गया, इस कदर डिप्रेशन हो गया और इस कदर वो बीमार हो गया। उसके बाद उसको एक बीमारी लग गई कि उसके बाद तो वो आपको पता है कि उसको तो मौत ही वाकई हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक सरदार रह गया था जो बड़ा पीछे रह गया था। ये क्यों नहीं गया था, डरता था, और इसने अपनी जगह किसको भेजा था, एक और आदमी को। हाँ, इतना डरपोक था। अब उसने कहा ये तो पता चल गया कि ये तो मुसलमान जाने वाले नहीं है, इसका मतलब है कि ये तो खत्म नहीं ऐसे हो सकते। ये हो गया, आज ये भी दिन आ गया कि इन्होंने हमें शिकस्त दे दी। अब क्या हुआ कि अबू सुफियान बहुत अकलमंद आदमी था नो डाउट, उसने अपने लोगों को जमा किया और उसने कहा कि ये जो हमारे यहाँ नुहागिरी हो रही है ये मत करो, इसको बैन कर दिया। क्यों? इसलिए कि जब मुसलमानों को पता चलेगा ना तो वो तो बड़े खुश होंगे कि इनके तो घर घर में मातम बिछा। और इस तरह से अल्लाह ताला ने एक तरह इनको एक और सजा दी, क्योंकि देखें जब ये नोहा करते थे ना तो अपने गम को उस तरह निकालते थे और सोचते थे कि हम अपने मुर्दों के लिए एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उनके ऊपर गम करके। अब क्या है, वो प्रेशर कुकर की तरह अंदर ही रहेगा और अंदर ही घुलते रहेंगे और कुछ रो भी नहीं सकते, चीख नहीं सकते, जो इनका तरीका था एक वो भी नहीं कर सकते। अब यहां पे जैसे बताया गया कि अस्वद बिन मुत्तलिब के तीन बेटे मारे गए और इन पर वो नोहा करना चाहता था, तो उसने एक रात को, आप समझ आ गया ना कि नोहा करना चाहता था क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अब बैन हो गया कि अब नहीं कर सकते। तो उसने एक रात एक नोहा करने वाली औरत की आवाज सुनी तो समझा कि इजाजत मिल गई है और झट अपने गुलाम को हकीकत मालूम करने के लिए भेजा। अब देखें ये कितने बेचैन थे कि किसी तरह हम नोहा करें। उसने वापस आकर बताया ये औरत तो अपने गुमशुदा ऊंट पे रो रही है। अस्वद ये सुनकर अपने आप पर काबू ना पा सका और बेइख्तियार पुकार पुकार उठा। उसने ये शेर कहे जिनका माना ये था क्या वो इस बात पे रोती है कि इसका ऊंट गायब हो गया और इस पर बेख्वाबी ने इसकी नींद हराम कर रखी है, तो तू ऊंट पर ना रो बल्कि बदर पर रो जहां किस्मतें फूट गई। मजीद चंद अशार कहे जिनमें अपने बेटों पर आहो फगां किया, यानी इतनी उनकी हालत बुरी हो गई थी। अब आप खुद सोचें कि उस वक्त में बेटे कितने हारे को प्यारे थे और उस बंदे के तीन बेटे मारे जा चुके लेकिन वो उन पर रो भी नहीं सकता, और उसको अब ये हो रहा है कि ये ऊंट पे रो रही है और मेरे तो देखो बेटे चले गए और मैं उन पे नहीं रो सका। तो यानी ये भी उनके लिए एक तकलीफ दे चीज थी। इधर अच्छा एक थोड़ा से और पहले बात कर लेते हैं फिर उसके बाद इसके ऊपर आएंगे कि और क्या चीज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे किए काम।
एक तो ये किया कि हम सूरह अनफाल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वहां माले गनीमत था और माले गनीमत की डिस्ट्रीब्यूशन का अभी कोई भी कानून नहीं आया था। पहली उम्मतों में माले गनीमत को क्या किया जाता था, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। वो माले गनीमत उनके लिए हराम था, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला ने माले गनीमत को हलाल किया। और इस वजह से अब ये नहीं समझ आ रही थी कि इसको तकसीम कैसे किया जाए। सहाबा में इस बारे में इख्तलाफ भी हो गया, जो हम सूरह अनफाल में पढ़ भी चुके हैं। और सूरह अनफाल उतरी बदर के वहां पे, उस मौके पे उतरी है जो 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे रहे हैं। तो उन 3 दिनों में, एक तो ये जब आ रहे हैं और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त लेके इन लोगों को गए और वहां पे जो बदर में कुएं में लोग थे उनसे खिताब फरमाया। और भी क्या हुआ कि जो ये माले गनीमत की तकसीम थी, ये कैसे तकसीम हो गई, इसके ऊपर भी आयात उतर आई और वो आयतें उतरी हैं और माले गनीमत तकसीम हुआ। लेकिन आप ये देखें कि हजरत अब्दुल्ला बिन सामित से मरवी है कि अल्लाह के रसूल ने माले गनीमत मुसलमान मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम किया। असल में मैदान जंग में अल्लाह के रसूल ने किबला की तरफ चेहरा मुबारक करके हाथ फैला के दुआ मांगी थी, कि जो अल्लाह ताला ने कबूल की। और वो क्या दुआ थी कि या अल्लाह, ये लोग इस तरह से बिल्कुल बेयारो मददगार अपने घरों से निकले हैं, बिल्कुल इनके पास ना कोई सामान है ना कुछ है, ऐ अल्लाह ये भूखे हैं, इन्हें सैर फरमा, ये पैदल है इनको सवारियां नसीब फरमा, ये बेलिबास है इनको लिबास नसीब फरमा। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई। जब सहाबा बदर से फातिहाना वापस हुए, हर एक के पास माले गनीमत था, अल्लाह ताला ने दुनिया भी दे दी। जब अल्लाह की खातिर निकले तो अल्लाह ने दुनिया ली नहीं, वो भी दे दी। कैसे आए थे, किस हाल में, किसी पास एक डंडा है, किसी के पास एक तीर है, किसी के पास एक तलवार है। अब वापस जा रहे हैं तो अब देखें इनके पास, सुभान अल्लाह, यानी कहा जाता है कि मुशरिकीन के छोड़े हुए राशन, वो खाना पीना भी था, जूते भी पहन लिए थे उनके, उनकी सवारियों पर सवार भी पलट रहे थे, जो बदन से नंगे थे उनके ऊपर भी चादरें थी और कपड़े थे, और इस तरह से ये लदे हुए वापस आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये भी अता फरमाया माले गनीमत। और माले गनीमत आपको पता है 1/5 हिस्सा सूरह अनफाल की शुरू की आयतों में है कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए। वापस मदीना आकर चंद एक लोगों को जो बदर में शरीक नहीं हुए थे, इसके बावजूद के वो बदर में शरीक नहीं हुए थे, उनको भी माले गनीमत दिया गया। उनमें एक हैं हजरत उस्मान। उनको माले गनीमत क्यों दिया गया, इसलिए कि उनकी बीवी हजरत रुकैया, कौन है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, वो सख्त बीमार थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को उनके पास पीछे रुकने का हुक्म दिया था, वो वहीं रहे थे, तो इसलिए उनको भी माने गनीमत में से हिस्सा दिया गया। इसी तरह एक और सहाबी हैं, अबू लुबाबा रजील तला, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मदीना का आमिल बनाया था, तो उनको भी इसमें से हिस्सा दिया गया। इसी तरह एक और सहाबी हैं, अबू उमामा बिन सालबा, उनकी वालदा बीमार थी, उनकी देखभाल के लिए घर में कोई नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपनी वालदा की देखभाल के लिए रुक जाओ। तो अबू उमामा ने बल्कि अपने मामू से कहा कि आप मेरी वालदा की तीमारदारी के लिए रुक जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बेटा ये अपनी माँ के लिए रुकेगा। और जहां पे आप सोचें एक एक बंदे की जरूरत है, वहां पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की खिदमत के लिए बेटे को यही हुक्म दिया कि जिहाद पे जाने से भी बेहतर है कि पीछे अपनी माँ की खिदमत करें। अबू मामा की वालदा हालांकि इस दौरान फौत भी हो गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस तशरीफ लाए तो वापसी पे उनकी कब्र पे तशरीफ ले गए और वहां नमाज जनाजा पढ़ी, और इनको भी माले गनीमत में से हिस्सा दिया, क्योंकि ये भी तैयार थे जाने के लिए लेकिन अपनी वालदा की उस बीमारी की वजह से नहीं जा सके। तो इससे भी ये भी हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए अपने एक एक सहाबी की खबरगीरी रखते थे, किसी को इग्नोर नहीं है, किसी को वो नहीं है कि अब मेरे पास कहाँ इतना वक्त है कि इसका पूछूं, हर एक का ख्याल रखना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन क्वालिटी है। फिर अब ये क्या हुआ, किस तरह से ये एक और, हाँ नंबर 2, एक और चीज हुई थी
जो मदीना पहुंचते हैं, हम मदीना की बात अभी करते हैं कि किस तरह से ये फतह की बशारत वहां पे पहुंची, लेकिन उससे पहले एक तो माले गनीमत की बात हो गई, दूसरे अब कुछ कैदी भी तो थे ना साथ। अब कैदियों का क्या बना? अब कैदियों के बारे में जब हम देखते हैं तो वैसे तो तमाम कैदियों को लाया गया और उनके साथ जो सलूक किया गया वो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, मगर दो कैदी ऐसे थे जिनको कत्ल किया गया। एक तो आपको उमैया बिन खल्फ का तो पता चल गया ना कि अगर बिलाल ने तो उसको अंसारी अपने भाइयों को बुला के और फिर उसका तो मामला खत्म ही हो गया था वहां पे, लेकिन और भी दो कैदी ऐसे थे कि जिनको कत्ल किया गया था, क्योंकि ये सिर्फ कैदी नहीं थे बल्कि ये बहुत बड़े मुजरिम थे। उनमें एक का नाम, ये दो आपने नाम याद रखने, एक था नजर बिन हारिस। नजर बिन हारिस कुछ याद पड़ता है आपको कौन था? शाबाश, जो गाने वालियां और वो लौंडियां और वो किस्से कहानियां लेकर आया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाने के लिए बैठते थे तो ये उनको आके कहता था कि इससे बेहतर तो मेरे पास कलाम है, क्योंकि ये बाहर जगहों पे, जिसको कहते ना कि बाहर के मुल्कों में घूम फिर के आया था, दुनिया इसने घूमी भी थी और जगहों पे रहा भी हुआ था, तो वहां से इस तरह के किस्से ले आया था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जिस तरह हम सोचें कि आज ड्रामे हैं, फिल्में हैं, तो वो कहता था कि भाई ये आके देखो ना, ये क्या, वो कहता था ये असातीरुल अव्वलीन है, ये जो कुरान में आता है ना कि असातीरुल अव्वलीन, ये क्या पुरानों के किस्से, पुरानी कहानियां, स्टोरीज, ये हिस्ट्री की स्टोरीज, इनका क्या करना है? आओ मैं तुम्हें बादशाहों के किस्से और इनके किस्से और ये सब किस्से उनको सुनाने के लिए, उसके पास किस्सा खवान भी थे और लौंडियां भी थी, जिसको देखता था कि दीन की तरफ जरा मायल हो रहा है उसके पीछे एक लौंडी छोड़ देता था कि जाओ इसको गाना बजाना और शराब और इन चीजों में मगन रखो, ये इस्लाम की तरफ ना जाए। तो इस कदर ज्यादा ये बड़ा मुजरिम था। और ये, और दूसरा कुछ किसी को पता है कि दूसरा कौन सा मुजरिम था? उकबा बिन अबी मुआइत। हाँ, उकबा बिन अबी मुआइत, वो कौन था? बहुत इसने तंग किया था। ओ शाबाश, ओजड़ी जिसने लाके सर पे रखी थी ना, कि जब सारे हंस रहे थे सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के लिए कह रहे थे ना, जब के कौन लेकर जाएगा और वो ओजड़ी लेकर आएगा, जो ऊंट अभी जिबा हुआ है उसकी ओजड़ी उठा के लाके डालेगा, कोई भी नहीं जाना चाहता था, ओजड़ी गंदी सी चीज घिन आती है, तो ये खुद गया और इसने उठाई, किसी नौकर को भी नहीं कहा, गुलाम को भी नहीं कहा, खुद उठा के लेकर आया, इतनी इसको दुश्मनी थी। और एक दफा तो चादर गर्दन में डाल के इतनी दबाई कि जैसे मार देगा, यानी इसने यानी खत्म करने की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोशिश की। और उस वक्त कौन दौड़ी दौड़ी आई थी? हजरत फातिमा दौड़ी दौड़ी आई थी और उन्होंने आके वो ओजड़ी उठाई थी, और जिस वक्त इसने गर्दन में चादर डाल के इतनी जोर से दबाया था, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे और फरमाया था क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस वजह से मारते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, सिर्फ इस वजह से? तो ये दो लोग थे कि जिनको कत्ल किया गया, ये जब बदर के कुएं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी बात कर ली थी और उसके बाद आगे गए, तो यहाँ पे बताया भी गया है कि कौन सा वो मकाम था जहां पे ये हुआ था, ये हम आगे पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये बात भी कर लेते हैं, इधर अहले मदीना की खुशखबरी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कासिद रवाना फरमाए, और एक अब्दुल्ला बिन रवाहा बलाई मदीना की तरफ और दूसरे जैद बिन हारिसा जीरी मदीना की तरफ, यानी दो लोगों को दौड़ाया कि ये खुशखबरी जाके दें। इस दौरान यहूद ने झूठे प्रोपेगेंडे करके मदीना में हलचल मचा रखी थी, यानी पीछे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हुए थे तो उनको फिर भी चैन नहीं आया और उन्होंने पीछे भी फिर भी अपनी शरारतें जारी रखी और वहां पे ऐसी ऐसी खबरें और अफवाहें उड़ा के रखी कि जिससे कि लोग बेचैन रहे। ये खबर भी हत्ता के उड़ा दी थी कि नाउज़ुबिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया। एक मुनाफिक था, मुनाफिक क्या, अभी मुनाफिकत तो शुरू नहीं हुई थी, मगर ऐसा बंदा जो कि अभी मुसलमान नहीं हुआ था लेकिन जाहिर है जब मुसलमान हुआ तो वो मुनाफिक ही बना, तो उसने हजरत जैद बिन हारिसा को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कसवा पे आते हुए देखा तो फौरन बोल पड़ा वाकई मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए, ये देखो इन्हीं की ऊंटनी पे सवार आ रहा है, हम इसे पहचानते हैं, ये जैद बिन हारिसा है, शिकस्त खा के भागा आ रहा है और इस कदर मरऊब है कि इसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है। यानी उन्होंने भी यकीन नहीं किया जब उन्होंने आके, हजरत जैद बिन हारिसा ने आके ये खबर सुनाई है,
तो इन लोगों ने भी यकीन नहीं किया कि वहां पे वाकई ही मुसलमानों को फतह हो गई, और उल्टा वो इस चीज को भी वो करते रहे कि ये हो ही नहीं सकता, ये इसका दिमाग खराब हो गया, असल में शिकस्त हो गई है ना, तो इस वजह से ये आके ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा। क्योंकि उन्होंने भी आके जब बताया था कि इस तरह हो गया और इतने लोग मारे गए हैं और इतने इतने बड़े सरदार मारे गए, तो उनको जाहिर है जो मुनाफिकीन थे और जो यहूद थे जो पहले से ही दुश्मनी रखते थे, उनको इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। तो बहरहाल जब दोनों कासिद पहुंचे तो मुसलमानों ने उनको घेर लिया, उनसे तफसीलात सुनने लगे, हत्ता कि उन्हें बखूबी मालूम हो गया कि मुसलमानों को अजीम शान और तारीखी फतह हासिल हुई है। और इसमें यह भी आता है कि जब फतह की खुशखबरी लेकर ये पहुंचे हैं वापस, तो अल्लाह अकबर कहते हुए पहुंचे और उनके नाम बोल रहे थे जो काफिर मारे गए थे, और ये इतनी बड़ी खबर थी, इतनी लंबी लिस्ट थी काफिरों की, फलां भी मारा गया, क्योंकि ये लोग तो सब जानते थे कि कौन कौन है ये। तो मुसलमान ये सुन के इतने खुश हुए, मगर मुनाफिकीन जो थे जो बाद में मुनाफिक बने, इनके मुंह लटक गए और ये आपस में सरगोशियां करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, असल में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मारे गए हैं और ये ऐसे ही आके हमें कह रहा है और ऐसे हो रहा है। और मुनाफिकीन का हमेशा से आप देखें तरीका यही रहा है कि उन्होंने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जिसके अंदर इस्लाम को तकलीफ और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की ना कोशिश की हो। लेकिन सुबहान अल्लाह, एक बहुत अहम बात कि जिस वक्त वो आके ये खबर दे रहे हैं और अल्लाह अकबर कहते हुए दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त बकी में हजरत उस्मान अपनी बीवी को दफना के उनके ऊपर मट्टी डाल के अभी फारिग हुआ, और उधर वो आवाज आई है कि फतह मिल गई है मुसलमान। सुबहान अल्लाह, मैं कहती हूँ देखो एक इंतहाई खुशी का दिन जो कितने दिनों बाद मुसलमानों की जिंदगी में आया, कितनी बड़ी बात थी कि एक फतह मिलना, और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वो वफात पा गई। अगर कोई और इंसान हो तो शायद वो इतने गिले शिकवे करे कि हाय हमारी खुशी भी मुकम्मल नहीं हुई और अल्लाह ने हमारे साथ ये क्या किया, और एक दिन और डिले हो जाता, इनकी मौत का क्या फर्क पड़ता था या क्या। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया, देखो इस दुनिया में जहां पे खुशी है वहां पे गम भी है, इस दुनिया की कोई खुशी मुकम्मल नहीं है, कहीं आप पे से बाहर ना हो जाना, कहीं ये ना सोच लेना यही अल्टीमेट है, बस जहां पे खुशी आती है साथ ही कोई गम भी, और यही इस दुनिया की जिंदगी का नाम है, खुशियां और गम साथ साथ है। अल्टीमेट खुशी सिर्फ कहाँ है, जन्नत में, जहां की खुशी कभी खत्म नहीं होगी और जहां पे कोई गम नहीं होगा। पर यहाँ की खुशियों को कभी पायदार ना समझो, आज अप है तो कल डाउन है, ये साथ साथ है। जब नबी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर और कोई क्या अपने आप को कह सकता है। कितनी बड़ी एक शिकायत हो सकती थी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारे जर्फ छोटे हैं ना, हमारे जर्फ बहुत छोटे हैं, इसीलिए जब वाकयात आते हैं तो उसी तरह हम अंदर से निकलते हैं, हमारे जो फिक्रे होते हैं वो वैसे ही निकलते हैं, आ ये क्यों हो गया, हाँ और ये क्यों हो गया हमारे साथ, ऐसा ही हुआ। बिल्कुल दूसरों के ऊपर भी करते हैं, बिल्कुल। और देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ हो गया तो कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी एक तरफ फातिह बन के आ रहे हैं, पहली पहली खुशी है इतने दिनों के बाद, और एक तरफ ये है सदमा। बिल्कुल सारी जिंदगी, और मैं तो लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आपने सीखना है ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इतनी रहनुमाई है कि आपकी हर जिंदगी के मौके के लिए वहां रहनुमाई मौजूद है। ऐसे हालात में भी कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, इस वजह से कोई ऐसे उसमें नहीं चले गए कि हाई ये क्या हो गया, मैं अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए निकला, पीछे अल्लाह ने मेरी बेटी ले ली, और आपके बच्चे को कांटा भी चुभ जाए ना, जबकि आप अल्लाह के दीन के लिए कोई खिदमत कर रहे हैं, तो आप कहते हैं लो जी हम तो अल्लाह के दीन के लिए अच्छे निकले, हमारे पीछे हमारे बच्चों का भी देखो ऐसा हो गया, और मेरे घर का देखो आज क्या हाल हो गया, क्योंकि मैं क्लासें जो लेती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती जो हूँ, क्योंकि मैं कुरान से जो जुड़ी हुई, तो देखो मेरा कितना गिला शिकवा कर, और मेरे नबी किस हालात में वहां गए लड़ने के लिए, अब इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वापिस आ रहे हैं, अभी भी खुशी मुकम्मल नहीं कि आगे ये सदमा मौजूद है। अल्लाह हू अकबर।
और इधर ये दुश्मन के यहूदियों ने पीछे प्रोपोगंडास किए हैं, इसलिए जब फतह की खबर पहुंची तो हर तरफ मुसर्रत और शादमानी की लहर दौड़ गई। मदीना के दरोबाम तहलील और तकबीर के नारों से गूंज गूंज उठे और सरबर आवर्दा मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए बदर के रास्ते में निकल पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की राह में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुसरत इलाही का ताज पहने हुए मदीना के लिए रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माले गनीमत और कैदी भी थे। अब समझ आ गई ना आपको दोनों का क्या हुआ? माले गनीमत है जो तकसीम हो चुका है, कैदी हैं रास्ते में जिनको दो को कत्ल किया गया, बाकी जो कैदी हैं वो साथ लेकर आ रहे हैं। वादी सफरा के करीब पहुंचे तो तकसीम गनीमत का हुक्म नाजिल हुआ। अब समझ आ गई सूरह अनफाल की जो आयत आयत कहाँ नाजिल हुई? अभी रास्ते में है, अभी पहुंचे नहीं है मदीना। वादी सफरा में नाजिल हुई, चुनाचे आपने खम्स निकाल कर बाकी माले गनीमत गाजियों पर तकसीम फरमा दिया। फिर वादी सफरा में पहुंचकर नजर बिन हारिस को कत्ल करने का हुक्म दिया और हजरत अली बिन अबी तालिब ने उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद अर्क जबिया पहुंचे तो उकबा बिन अबी मुईद को कत्ल करने का हुक्म दिया और हजरत आसिम बिन साबित अंसारी ने, और बाज रिवायात में कहा जाता है कि हजरत अली बिन अबी तालिब ने उसकी गर्दन मारी। और इसके अंदर भी ये आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अब्दुल्ला बिन अबी मुईद को कत्ल करने का हुक्म दिया था तो इसने आगे से कहा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग आग, और फिर इसकी गर्दन उड़ा दी गई थी। तो यानी इसका मतलब क्या है, यानी कि तेरे बच्चों को तूने जिस रास्ते पर डाल दिया अगर वो उसी रास्ते पे चलते रहे तो उनके लिए क्या है, उनको कौन देखेगा? आग ही तो तू उनके लिए छोड़ के जा रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह। और इसको देखो अब अपने बच्चों की याद आ गई, उस वक्त किसी के बच्चों का ख्याल नहीं था जब ओजड़ी लाके सर पे रख रहा था और जब गर्दन ऐसे चादर से दबा रहा था, लेकिन ये अब इस वक्त बैग कर रहा था अपनी लाइफ के लिए। अबू जहल जो था ना वो तकब्बुर वाला था, उसने कहा मेरी गर्दन भी काटना तो यहां से नीचे से के पता चले सरदार की गर्दन, उसमें तकब्बुर था। इसमें बुजदिली, इतनी बुजदिली कि जो है ना अब माफिया मांग रहा और अब इस वक्त रहम की अपील कर रहा। तो क्या इनको छोड़ देना चाहिए था? देखें आप ये याद रखें एक बात, आगे भी ये बात आ रही है, थोड़ा कह दी हूं कि उसके ऊपर भी ये बात आएगी कि बाज हालात के अंदर बदला लेना वो भी जरूरी है। अगर ये बात आम कर दी जाए कि जो मर्जी करोगे हमेशा यहाँ से माफी ही माफी है, माफी माफी है, तो मुझे बताएं हार कोई फिर एडवांटेज ही लेगा? वो कहेगा जो मर्जी करो, इनका कहना तो माफी कर देना। इसलिए जालिमों को पता होना चाहिए कि नहीं अगर जुल्म की इस इंतहा को पहुंच जाएंगे तो फिर यहाँ पे बदला भी है। सारे सरदार रूट कॉज थे ना? जी बिल्कुल। और ये देखें ये कुफर के सरदार थे, कुफर के इमाम थे, शैतानों के भी शैतान, कुरैश के शयातीन थे ये। तो इनसे अगर ना ये मामला किया जाता तो आगे और जरर पहुंचाते, आगे दोबारा मिलके आ जाते लोगों के साथ और फिर यही करते। तो इसलिए इनके साथ बदला लेना जरूरी था। तो बास हालात में याद रखें बदला लेने में याफियत होती है। सरबर आवरदा मुसलमान यानी जो बड़े बड़े थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए निकले, मकाम रौहा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई और वहां से मदीना तक उन्होंने आपकी रफाकत क़यादत में सफर तय किया और इस तरह आप मदीना में यूं मुजफ्फर और मंसूर दाखिल हुए कि हर दुश्मन पर आपकी धाक बैठ चुकी थी और इसकी वजह से बहुत से लोग हल्का बगोश इस्लाम भी हुए, बहुत से लोग मुसलमान हो गए। यानी अब हमें पता है कितनी कौन सी, हमने शुरू में पढ़ा था ना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे और मीसाक किए थे, मुआहदे किए थे, तो कौन कौन लोग थे? यहूद थे, मुसलमानों के साथ भी मुआहदे हुआ था कि क्या उनको किस तरह से रहना है, और तीसरे कौन थे? मुशरिकीन, यहाँ पे भी मुशरिक थे। लेकिन इस वक्त जब बदर हुई तो मुशरिक जो मुशरिक यहाँ पे रहते थे अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक फोर्स है और ये ही गालिब आएंगे। जब इन्होंने इतनी बड़ी फोर्स को शिकस्त दे दी तो अब तो बेहतर यही है कि हम भी मुसलमान हो जाए। ये टाइम था कि याद रखें बदर के बाद मुनाफिकत पैदा हुई, मुशरिक खत्म हो गए,
मुनाफिकत ने जन्म ले लिया। मुशरिकों को किसी ने कहा नहीं कि आप इस्लाम लेकर आओ। याद रखें, इतनी देर में अभी तक किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, जैसे आज हम लोगों के तरीके हैं कि भाई अच्छा मुसलमान नहीं है तो उसकी गर्दन ही खत्म कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के साथ रह रहे थे, और अभी भी एक आदमी का आपको उहद में जाके पता चलता है कि वो वहां पे इस्लाम लेकर आया। जस्ट एन उस वक्त इंशाल्लाह आगे जब पढ़ेंगे तो कोई इक्का दुक्का कोई रह गए होंगे, लेकिन अदरवाइज सब मुसलमान हो गए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं फरमाया कि ढूंढ ढूंढ के निकालो जो नहीं मुसलमान हुए इनको अब खत्म करो, इन तक तो पैगाम पहुंच गया। ऐसा नहीं था। इस वक्त ये इस्लाम लेकर आ रहे हैं विद फ्री विल, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है, पैगाम उन तक पहुंच चुका। तो इसी मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने भी दिखावे के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। और आप देखें फिर उसके बाद यही अब्दुल्ला बिन उबई है ना, कि फिर आप देखते हैं कि इसने कितना इस्लाम को नुकसान पहुंचाया था। ओहद में इसने क्या किया था वो भी आप वो आगे इंशाल्लाह जब उहद का पढ़ेंगे तो आएगा। मगर ये कबीला खजरज का समझ ले एक सरदार था, एक बड़ा आदमी था, और इसको ये था कि मदीना की जो बादशाहत है औस और खजरज की जो बोथ कंबाइन इनकी जो बादशाहत होगी वो इसको दी जाएगी, वो सिलेक्टेड, और उसमें इसका ताज भी बनने के लिए चला गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, और इसकी सारी बादशाहत जाती रही। देखिए वो जो हसद और ग्रज अंदर होता है ना, जो कीना, वो देखे कैसे फिर आता है कि मुसलमान हो भी गया, कलमा पढ़ भी लिया, लेकिन ये वो आदमी था जिसको रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है। और एक दफा जब अभी बदर नहीं हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन उबादा की इयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे थे और गधे पर सवार थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे उसामा बिन जैद को बिठाया हुआ था। यही उसामा बताते हैं कि रास्ते में एक जगह ये अब्दुल्ला बिन उबई जो था अपनी मजलिस जमाए बैठा था, और इसके इर्द गिर्द इसके कबीले के लोग भी थे। कौन से कबीले से था? खजरज कबीले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर इसे बहुत बुरा लगा और इसने मुंह फेर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब पहुंचे और सलाम किया तो थोड़ी देर के लिए रुके और कुरान करीम का कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाते थे, देखो सुभान अल्लाह कैसे कि कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाया और अल्लाह की तरफ दावत दी। अभी क्योंकि ये तो अभी मुशरिक ही थे तो इनको दावत दी और अल्लाह की नेमतें याद दिलाई, उसके गजब से डराया। उसामा कहते हैं अब्दुल्ला बिन उबई जो है बस दम साधे बैठा रहा और उसने कोई बात नहीं की, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर चलने लगे तो बड़े गुस्ताखाना और बाजारी अंदाज में मुंह फाड़ के बोला, ए फुलां तेरा ये बात करने का ढंग ठीक नहीं है, अपने घर बैठ, जो कोई तेरे पास आएगा बस उसको अपनी बात सुना देना, और जो तेरे पास ना आए उसको तंग ना किया कर, और इसके घर में आकर ऐसी दावत ना सुना के जो उसको नागवार गुजरे। यानी इसको इतना बुरा लगा। अब इसके जुमलों पे अगर गौर करें, एक एक लफ्ज जैसे जहर टपक रहा हो। और अल्लाह अकबर, ये नहीं, ये इस्लाम लाने से पहले अभी बदर नहीं हुई। अब इस मजलिस में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी मौजूद थे, उनकी गैरत, उनको बड़ी गैरत आई तो उन्होंने फौरन कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना आए, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिदाई हैं, आप हमारे घरों में हमारी मजलिसों में आए, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप ही के वसीले से अल्लाह ने हमें सरबुलंदी अता की है, आप ही के जरिए से हिदायत अता की है। यानी फौरन उन्होंने जवाब दिया, मगर इसके अंदर इतना सख्त बोझ भरा हुआ था ना कि ये हैं जिन्होंने मेरा ये टाइटल छीन लिया, मेरी कुर्सी इन्होंने ले ली, मेरी सीट जाती रही। इंसान सोचे कि अब्दुल्ला बिन उबई को तो आज बुरा कहते हो, लेकिन आप खुद सोचो कि किसी जगह आपने सिलेक्ट होना था, आपको ये कुर्सी मिलनी थी, आपको प्रेसिडेंट मस्जिद का बनाना था, आपको किसी जगह पे सिलेक्शन होनी थी और किसी और को मिल गई, फिर जो अंदर हसद की और बूस की, तो याद किया करें सोच के अब्दुल्ला बिन उबई को किसने रईसुल मुनाफिकीन बनाया, इन्हीं जज्बात ने, इन्हीं ग्रजेस ने, इसको क्यों मिल गई, मुझे मिलनी थी ये हसद। और जब इसने देखा कि बदर हुई है और हवा का रुख ही बदल गया, तब वो अंदर अंदर तो इस्लाम का दुश्मन रहा, लेकिन जाहिर ही बात है अब वो क्या कर सकता था, कुछ और चारा नहीं था, तो अब इस्लाम तो ले आया, लेकिन यहूदियों के साथ इसके बड़े रवाबित थे और बड़े वो थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े होते थे तो ये पहले खुद खड़ा हो जाता था, बस लोगों को आदत होती है, वो अभी उसी ने माइक पकड़ना, वो उसे पहले ही पकड़ के खड़े हो जाते हैं ताकि हम भी बताएं कि हमारी भी क्या अहमियत। तो कहता था लोगों, ये तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने इनके जरिए तुम्हें इज्जत दी है,
इनकी मदद करो, इनको कुव्वत पहुंचाओ, इनकी बात सुनो और मानो। इसके बाद बैठ जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खुतबा देते थे। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह ताला मुनाफ़िकत से महफूज रखे। तो ये इस कदर बदतरीन दुश्मन था इस्लाम का कि उसने आखिर वक्त तक तौबा नहीं की थी और इसी मुनाफ़िकत पे मरा था। कैदियों का कजिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच चुके तो आपने कैदियों के बारे में मशवरा किया। अब इन कैदियों का क्या करना चाहिए, ये भी तो एक मशवरा था ना, कि क्योंकि आज से पहले कभी कोई कैदी नहीं बना था। पहली तो जंग थी, ना माले गनीमत कभी तकसीम हुआ, ना कैदियों का कोई मामला आया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिदिया लेने की राय दी और हजरत उमर की राय ये थी कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। अब ये देखें, दोनों सहाबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनको कहते हैं दो वजीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मशवरा किया। हजरत उमर फर्स की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, हजरत अली और हजरत उमर से खुद से भी मशवरा किया कि इन कैदियों का क्या किया जाए। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, हम एक दूसरे के चचाजाद हैं, रिश्तेदार हैं, लिहाजा मेरी राय तो यह है कि आप इनसे फिदिया ले लें। इससे फायदा यह होगा कि इस माल से काफरों के मुकाबले हमें हमारी दिफाई कुव्वत भी मजबूत होगी। दूसरा फायदा यह है कि मुमकिन है अल्लाह इन कैदियों को इस्लाम की तरफ हिदायत दे दे। और वाकई उनकी बात सच्ची निकली, वाकई बहुत सारे कैदी मुसलमान हो गए थे। अब अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर से पूछा, ए खताब के बेटे, तुम्हारी राय क्या है? हजरत उमर ने सिद्दीक अकबर की राय की नफी करते हुए फरमाया, नहीं अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल, मेरी वो राय नहीं है जो अबू बकर की है। मेरी राय तो यह है कि आप इन कैदियों को हमारे सुपुर्द करें ताकि हम इनकी गर्दनें उड़ा दें। अली का भाई अकील है ना, तो अली का भाई अकील उसके सुपुर्द किया जाए, वो इसकी गर्दन उड़ाए। ये बाद में मुसलमान हो गए थे हजरत अकील, लेकिन देखें उन्होंने कहा कि नहीं, भाई को दो, वो आज इस्लाम का सबूत दे, पता चलेगा कौन अल्लाह का वफादार है। सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते थे तो देखें हर सहाबी अपनी अपनी राय देते थे, और ये भी नहीं कि अच्छा मैं उसने ये कहा तो मैं भी यही कहता हूँ, ताकि जो है ना ये ना लगे कि मैं ज्यादा सख्त हूँ। और वो मुखलिस राय देते थे, जो उनके आता था कि मुखलिसाना मशवरा जो उनको समझ में आता था। और फिर माइंड नहीं करते थे कि मेरा तो मशवरा कबूल ही नहीं किया, यहाँ पे मेरी क्या अहमियत है। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई ओहद में जो करेगा वो फिर इसी चीज के ऊपर आएगा ना, कि मेरा मशवरा तो माना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फरमाया और वो उसकी गर्दन उड़ाए, और मेरे फलां अजीज जो उनको मेरे सपोर्ट किया जाए मैं उसकी गर्दन मारता हूँ। ये लोग कुफर के सरदार हैं और कुफर के रुआसा हैं। हजरत उमर कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो मशवरा दिया अल्लाह के नबी का रुझान उधर हो गया, और जो मैंने मशवरा दिया उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुझान नहीं हुआ। क्योंकि ये तफसील यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। जब अगला दिन हुआ और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे थे और अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे थे। तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे बताएं क्या वजह है कि आप भी रो रहे हैं और आपका साथी भी रो रहा है। अगर मुझे रोने की वजह मालूम हो जाए तो मैं भी आंसू बहाऊं, और अगर मुझे आंसू बहाने की वजह ना भी मिले तो मैं इस वजह से आंसू बहाना शुरू कर दूं कि आप दोनों रो रहे हैं। इस पर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, फिदिया कबूल करने की वजह से जो चीज तुम्हारे साथियों के सामने पेश की गई है मैं इस वजह से रो रहा हूँ। यानी अल्लाह ताला ने आयात उतार दी, सूरह अनफाल की 68 आयात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर अजाब इस दरख्त से भी ज्यादा करीब आ लगा था। यानी हजरत उमर की राय ज्यादा बेहतर थी, अल्लाह ताला को ये ज्यादा मंजूर था कि इस वक्त मुसलमान जो है कमजोर है। कमजोर का किसी को माफ कर देना वो तो बड़ी बात नहीं होती, असल बात है जब आप ताकतवर होते हैं तब माफ करते हैं। अभी तो आपका माफ करना ऐसे ही समझा जाएगा कि ये तो खुद इन्होंने माफी करना था, ये क्या खुद चीज है, हाँ तो क्या कर सकते थे। तो अभी आप इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, और फिर ये अब अगर चले जाएंगे तो ये वापस आएंगे दोबारा आपसे जंग करने के लिए, तो इसलिए इनको इस वक्त छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। तो ये फिर राय हजरत उमर की अल्लाह के नजदीक वो ज्यादा बेहतर थी, और इसकी वजह से ये आयात भी नाजिल हुई। लेकिन एनी हाउ अब बात हो चुकी थी और ये मामला तय पा चुका था
कि अब फिदिया लिया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुक में देखें, फिर आप फिदिया लेना तय किया। ये फिदिया 4,000 से 3,000 और कम अज कम 1,000 दिरहम था तक था। 4,000 दिरहम हजरत अब्बास के रखे गए थे, उनके बहुत ज्यादा दिरहम रखे गए थे। बल्कि एक जगह पे ये भी आता है कि हजरत अब्बास के लिए किसी ने, जब जायरा लोगों को तो पता था, एक अंसारी जो उनको पकड़ के लेकर आया था, मैंने आपको बताया था ना कि कमजोर सा अंसारी था जो उनको पकड़ के लेकर आया था, तो जब उस हर एक कैदी को जिस जिसने पकड़ा था उसके घर में उनको कहा गया था कि आप इसकी देखभाल करेंगे। वहां पे जेलें या कुछ तो होती नहीं थी, लेकर आए मस्जिद नबी में और इस तरह तकसीम कर दिया जो जो जिसको पकड़ के लाया। तो उन्होंने आके कहा अंसारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं चाहता हूँ कि हदीयतन आपको ये दे दूं कि इनका फिदिया ना लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इनके तो एक पाई भी ना छोड़ना, एक पाई भी ना छोड़ना, इनसे तो एक एक माल लिया जाए। तो ये भी पता चलता है कि हजरत अब्बास ने फिर उस वक्त फरमाया था कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो 4,000 दिरहम नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो उम्मुल फजल से जब तुम बात कर रहे थे, अपनी बीवी से बात कर रहे थे और कह रहे थे, जब मक्का में निकलने लगे थे और कह रहे थे कि अगर मैं मर गया तो फिर ये यहाँ यहाँ ये माल पड़ा हुआ है, फिर ये इस बेटे को देना, ये इतना इसको देना, ये इतना इसको देना। तो उन्होंने उस वक्त कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कि वाकई ये बात सिवाय नबी की और किसी को मालूम नहीं हो सकती थी। और पहले कह रहे थे कि मैं तो मुसलमान ही हूँ, मेरे से क्यों ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है ईमान अभी अंदर वैसे दाखिल ना हुआ होगा, मगर ये जब बात देखी अपने सामने तो फरमाया वाकई मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल, कि रसूल के सिवा ये बात जानना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि यानी हजरत अब्बास से भी फिदिया लिया गया, और बल्कि उनसे कहा गया कि आप अपने भतीजों का, उनके दो भतीजे भी इनके साथ आए थे, यानी अकील और नौफल, इन दोनों का भी आप फिदिया दें, ये आपके भतीजे हैं और आप मालदार हैं। तो यहाँ तक तो 4,000 भी लिया गया, 3,000 भी और 1,000 भी, ये सबसे डिफरेंट क्यों लिया गया? शाबाश, उनकी माली हैसियत जो थी हर एक की उसके मुताबिक लिया गया, यानी जो जितना मालदार था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी तो पता था, मुहाजरीन को तो पता था कि वहां पे किसकी वैल्यू कितनी थी। और बाज ऐसे भी थे जो कि इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उनको ऐसे भी जाने दिया गया। और बाज के लिए ये भी हुआ कि और इनमें से जो लिखना पढ़ना जानते थे उनका फिदिया ये करार दिया गया कि वो 10-10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। बाज कैदियों पर एहसान किया गया और इन्हें फिदिया लिए बगैर ही रिहा कर दिया गया। समझ आई बात? यानी जिनको पढ़ना लिखना आता था, तो अगर उनके पास और कुछ नहीं है तो पढ़ना लिखना ही सिखा दो। इससे आपको पता चला, जो लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिमों से नहीं पढ़ना चाहिए, काफिरों से नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? ये काफिर है और उनसे अपने बच्चों को तालीम दिलाई जा रही है। असल बात इल्म की है, इल्म हासिल करो। और उस जमाने में तो इल्म की कोई ऐसी कोई, जैसे आज है इल्म का रिवाज या इल्म की अहमियत, वो तो वहां पे उतनी कोई ऐसी अहमियत नहीं थी कोई बड़ा पढ़ा लिखा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इल्म की कितनी अहमियत थी कि उन्होंने उस वक्त भी इस चीज को प्रेफर किया कि वो तालीम दे दें इन बच्चों को। अच्छा, उस वक्त भी एक ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कैदियों के बारे में सहाबा कराम को बाकायदा ताकीद की थी कि अपने कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना। इब्ने इसहाक की एक रिवायत में आता है कि अबू अजीज जो मुसब बिन उमैर के भाई थे, और उनको भी किसी अंसार के घरों घर में थे वो, जो उनको कैद करके लाए थे, तो उनके घर में ही जाहिर उनके हवाले किया गया था। तो वो बताते हैं कि मुझे खाने के लिए ये लोग गोश्त और रोटी दिया करते थे, और खुद मैं देखता था कि खजूर और पानी उस पे गुजारा कर रहे। तो कहता है कि मुझे शर्म आती थी और मैं रोटी रख देता था उनकी तरफ, तो वो नहीं लेते थे और वापस मुझे मेरे सामने रख देते थे कि नहीं, हमारे नबी का हुक्म है कि कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना है। मुझे बताए आज कौन सा दीन, कौन सी मुहज्जब कौमें आज जो दुनिया के अंदर है अपने कैदियों के साथ ऐसा सलूक करती, जो इस्लाम ने बताया।
आज अगर मुसलमान ही कुछ बुरा सलूक करते हैं तो वो इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। इस्लाम ये है, तारीख उठा के देखो, ये है इस्लाम। अगर आज मुसलमान इस्लाम को बदनाम कर रहा है तो ये उसका अपना एक्शन है, वो खुद बुरा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो ये है इस्लाम के तरीके, हम इनसे सीखें और इनको आम करें कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। जो कैदी के साथ भी ऐसा, और इतनी आप इससे अंदाजा लगाएं कि सुहेल जो था, जो अगर आपको याद हो, इंशाल्लाह हम वहां पे पहुंचेंगे, शाबाश, अबू जंदल के वालिद, ये बाद में मुसलमान हो गए थे। और ये वो है जो सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था ना, सुहेल को आते था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसानी आसानी होगी, सहल से है ना। तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में रखा था। कौन सी दुनिया में ऐसी जगह होगी जहां पे हुक्मरान ही है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह के हुक्मरान है सारे मदीना, हुक्मरान अपने घर में किसी कैदी को रखे उसी छत के नीचे जहां पे वो खुद हो, ऐसा कहीं आपने देखा होगा? और ऐसे सलूक कैदियों के साथ देखे होंगे कि अपने से बढ़ के उसके साथ सलूक कर रहे हैं, अपने से बढ़ के खाना खिला रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी थी कि करा रहे हैं, जब उन लोगों को बांधा हुआ था कैदियों को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन इतने थे कि सोया नहीं जा रहा था। मैं इनकी मशकें जरा बहुत जोर से कसा हुआ है, जरा लूज कर दो इनको, सुभान अल्लाह। और आज के कैदियों के साथ क्या सलूक है अगर आप देख लें, अस्तग़फिरुल्लाह। के मैं कहती हूँ कि हम फिर दुनिया में कई कौमें अपने आप को बहुत बड़ा समझती हैं और बहुत सिविलाइज समझती हैं, लेकिन ये नमूना देखो तब वाकई पता चलता है कि रहमतुल्लिलालमीन कौन होते हैं और क्या उनका सलूक। फिर अपने नबी की इस जिंदगी को आम करें और दुनिया को बताएं तो उनको भी मोहब्बत हो जाए ऐसे नबी से, जो कैदी के साथ ऐसा कर सकता है तो बताओ वो और किसी साथ, और वो भी काफिर। और ये देखें, ये कोई आम काफिर नहीं है, ये वो है जो अभी तक सुबह तक आपके खून के प्यासे थे और आपको मारने आए थे, मुखालफों में से थे और इतना ढोल धमाका करते हुए पहुंचे थे, और कितनी बड़ी बड़ी इनकी बातें थी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि अगर कैदी ना होते तो मुसलमानों की गर्दनें उड़ा रहे होते। ऐसे दुश्मन के साथ भलाई करना कितनी बड़ी बात। और अब हम देखते हैं कि आगे एक मुसा बिन उमैर के यही जो भाई हैं, इन ये भाई बंधे हुए थे जाहिर अंसारी के घर में। अब जब इन्होंने देखा कि मेरा भाई यहाँ से गुजर रहा है, मुसा बिन उमैर, तो उन्होंने अपने भाई को पुकारा कि मेरी मदद करो। तो भाई ने अंसारी से कहा कि ध्यान रखना ये भागने ना पाए, इसकी माँ बड़ी मालदार है, उससे तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, बहुत बड़ी कीमत मिलेगी, ध्यान रखना। तो भाई ने कहा कि तुम मुझसे ये सलूक कर रहे हैं, मेरे भाई हो के? फरमाया तुम मेरे भाई नहीं, ये मेरा भाई है। यही जो हमने अभी पढ़ा सूरह हूद में, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह ताला ने कह दिया नहीं तुम्हारा और उसका रास्ता अलग अलग है ना, तो ये तेरा बेटा नहीं है, तेरी अहल नहीं है। तेरी अहल कौन है? ये तो जो तेरे साथ ईमान वाले। ईमान का रिश्ता इतना है कि खून के रिश्ते से भी ऊपर हो जाता है। हाँ, खून के रिश्ते में भी ईमान हो तो जाहिर ही बात है ये रिश्ता बहुत बड़ा, लेकिन अगर खून का रिश्ता और ईमान का रिश्ता नहीं है ना, खून का रिश्ता कुछ नहीं है। फरमाया नहीं, तुम नहीं मेरे भाई, ये मेरा भाई। कैसी कैसी मिसालें मिलती हैं। इसी तरह अबू सुफियान का एक बेटा अमर बिन अबू सुफियान था, उसने उसको भी जब कैद कर लिया गया, कैदी बन के आया था, तो अबू सुफियान से भी फिदिया मांगा गया। उसने कहा कि मैं क्या फिदिया दूं, माल भी दें और हम खून भी अपने अपनों के बहाएं, मैं तो नहीं फिदिया देता, रखे छोड़े अपने पास जब तक रखना। इससे पता चलता है कि उसको यकीन था कि मुसलमान कभी बुरा सलूक नहीं करेंगे। अगर उसको यह होता ना जान से मार देंगे तो कभी ना ये कहता, उसको पता था कि ये कैदियों के साथ बुरा नहीं। आज इतने इतने बड़े इन्होंने बनाए हुए कवानी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के लिए कितने बड़े बड़े कवानीन हैं। उस वक्त तो कोई कानून नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, अगर बुरा भी सलूक करें जो भी सलूक करें तो लेजिटिमेट था। लेकिन इस्लाम ये तालीम देता है
रहम की, इंसाफ की, और एक दूसरे के साथ मामी हमदर्दी की। तो ये भी हमें पता चलता है। इसी तरह अबुल आस का जो किस्सा है वो बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। अबुल आस कौन था? शाबाश, ये बाद में मुसलमान हो गए थे, ये भी कैद होके आए थे, हजरत जैनब के शौहर। और हजरत जैनब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी, ठीक है? तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी कैदी बन गए। और ये कितनी एक बड़ी बात है। इनका निकाह हजरत जैनब से जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले से हुआ हुआ था, और अभी तक कोई ऐसा अहकामात नाजिल नहीं हुए थे कि मुशरिक का निकाह मुसलमान के साथ खत्म हो जाता। तो उनका निकाह चल रहा था और ये बहुत अच्छे शौहर थे, बहुत ख्याल रखने वाले शौहर थे। अच्छा, अब यहाँ पे पता चलता है, बुक में देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने शौहर अबुल आस के फिदिये में जो माल भेजा उसमें एक हार भी था। ये हार खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का था। ये हार उस वक्त का था कि माँ ने अपनी बेटी को शादी पे ये हार तोहफे में दिया। और ये उन्होंने हजरत ज़ैनब को अबुल आस के पास रुखसत करते वक्त ये हार उन्हें दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो आप पर बड़ी रिक्कत तारी हो गई, आंसू बहने लगे हार देख के। क्यों? खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की याद आ गई। और आपने सहाबा कराम से इजाजत चाही कि अबुल आस को बिला फिदिया छोड़ दें। सहाबा ने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा आपकी बात को पीछे करना कि ये हार वापस दे दो इनको, और इनको इसके बगैर ही जाने। चुनाचे आपने अबुल आस को इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वो ज़ैनब बिनते रसूल की राह छोड़ देंगे, यानी उनको यहाँ भेज देंगे। एक शर्त रखी कि उनको यहाँ पे वापस भेज देंगे। अबुल आस ने मक्का जाकर उनका रास्ता छोड़ दिया और वो मदीना हिजरत करके आ गए। और ये भी क्या हुआ था कि हजरत जब ये वापस गए थे तो कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा कराम को भेजा कि मक्का के बाहर पड़ाव करना और तुमसे कोई वहां पे आके मिलेगा, कोई मुसाफिर कोई आएगा जो तुमसे मिलेगा। तो क्या हुआ कि उधर अबुल आस जब वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने हजरत जैनब को यानी भेजने के लिए इंतजाम किया, अपने भाई से कहा, अपने छोटे भाई से कि इनको छोड़ के आए। और छोटे भाई जो थे यानी हजरत जैनब के जो देवर थे वो दिन के वक्त ही उनको ऊंटनी पे बिठाया, उनका सामान उस पे लादा और लेकर चढ़ पड़े। अब कहां काफरों ने देख के ये बर्दाश्त करना था कि रसूल की बेटी और ये ऐसे हमारे पास से जा रही हैं, ये तो हमने अपने कब्जे में इनको रखे ताकि जब भी इस्तेमाल करना हो तो फिर हम कर सकते हैं इनको किसी उसके लिए भी बातचीत के लिए। तो उन्होंने तो उनका रास्ता घेर लिया कि हम तो नहीं जाने देंगे। और इस कदर उन्होंने यानी बुराई की ये कि यानी उनके सामने उनके देवर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इनको इनको डिफेंड करूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊंट के ऊपर मारा और ऊंट बिदक गया, जिसकी वजह से वो इतना उछला कि हजरत जैनब ऊंट से गिर गई और वो हामिला थी और उनका हमल जाया हो गया। और ये भी कहा जाता है कि वो जो उस वक्त जख्मी हुई लहूलुहान हो गई थी, बाद में जो आने वाले सालों में वही जो जख्म था उसकी वजह से इनकी वफात हो गई थी बाद में। लेकिन यानी इस वक्त उन्होंने बिल्कुल लिहाज नहीं किया। तो उस वक्त जब उन्होंने घेरा हुआ और इनके देवर अब ये मुकाबला कर रहे हैं उनके साथ, तो अबू सुफियान दौड़ा हुआ आ गया। मैंने आपको बताया वह अक्लमंद बहुत था और इसका अपना बेटा भी उधर फंसा हुआ था। तो उसने वो दौड़ा हुआ आ गया और उसने आके कहा कि मैं इस मामले को टेक केयर करता हूँ, तुम लोग सारे जाओ, मैं इसको जाने नहीं दूंगा, तुम लोग जाओ। उनको रुख्सत कर दिया और इनके देवर कनाना से कहा कि तुम दिन दहाड़े इनको लेकर जा रहे हो, तुम क्या समझते थे कि हम लोग ऐसे जाने देंगे? तो तुम जरा समझदारी के साथ यानी कुछ तो ऐसी तदबीर करो कि पता ना चले, यानी ये कहने का इशारा था। तो वो वापस लेकर उनको वापस भेज दिया कि घर वापस चले जाए। और उसके बाद कुछ दिन के बाद किनाना उनको दोबारा जाहिर मुंह अंधेरे किसी वक्त लेकर निकले और उनको वहां पे हवाले कर दिया उन दो आदमियों के, और वो लेके हजरत जैनब को आ गए थे। तो इनका यानी एक तरह से फिदिया कह लें, हार तो वापस कर दिया, माल तो वापस कर दिया, लेकिन ये था कि हजरत जैनब को ये भेज दें। और इसी तरह एक और भी थे जिनका ये हुआ था कि वो बहुत ही गरीब थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, काफिर था, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आके कहा कि ना मेरे पास माल है, ना मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ, मेरे घर वाले गरीब हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, बेटियां ही हैं मेरी, तो
तो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तुम्हें ऐसे ही रिहा कर दिया जाता है, लेकिन आइंदा के लिए तुम, ये शर्त है सिर्फ, आइंदा मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं लड़ोगे। तो उसने ये प्रॉमिस किया, और जब वो वापस गया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत पे अशार कहे, और वो बाद में मुसलमान भी हो गया। अबुल आस भी मुसलमान हो गए, सुहेल भी मुसलमान, अकील भी मुसलमान, नौफल भी मुसलमान, हजरत अब्बास भी, यानी अभी उन्होंने कहा तो था लेकिन यानी पक्के मुसलमान हो गए। तो इस तरह बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने सलूक था। एक और बात जो आती है वो भी आपको बता दूं कि हारिसा, एक मैंने जैसे आपको बताया कि नौजवान सहाबी थे जो जिनका बदर में जो शहीद हुए थे, ये भी कहा जाता है कि शायद वो पहले शहीद थे। तो जब सारा लश्कर इस्लाम वापस आया और इनकी वालदा ने इनको नहीं देखा, तो इनकी वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, हारिसा मुझे इस कदर प्यारा था, ये तो आपको पता है, अब अगर वो जन्नत में है तो मैं सबर करूं और अजर की उम्मीद रखूंगी, लेकिन अगर वो किसी दूसरी जगह है तब आप देखेंगे कि मैं कैसा रोती हूँ, क्या करती हूँ, यानी फिर दुनिया देखेगी कि मैं कैसा रोती हूँ, कितना गम होगा उस माँ के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे, क्या तू पागल हो गई है, वहां भला कोई एक जन्नत है, जन्नतें तो बहुत सारी हैं, जहां तक हारिसा का ताल्लुक है वो तो सबसे आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस में है। ये बुखारी की हदीस है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। रुकैया की वफात और उम्मे कुलसूम से उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त गजवाए बदर के लिए तशरीफ ले गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया बीमार थी और हजरत उस्मान के अकद में थी, लिहाजा आपने उन्हें हुक्म दिया कि उनकी तीमारदारी के लिए मदीना में रहें और इन्हें भी बदर में हाजिर होने वाले का अजर और हिस्सा मिलेगा। उसामा बिन जैद को भी उनकी तीमारदारी के लिए रोक दिया। हजरत रुकैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी से पहले ही वफात पा गई। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हुमा का बयान है कि हमारे पास फतह की खुशखबरी उस वक्त पहुंची जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा पर मट्टी बराबर कर चुके थे, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचकर मुतमईन हो चुके तो आपने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हजरत उस्मान से कर दी। इसीलिए हजरत उस्मान को जुन्नूराइन यानी दो नूर वाले कहा जाता है। हजरत उम्मे कुलसूम ने इनके अकद में रहते हुए शाबान 9 हिजरी में वफात पाई और बकी में दफन हुई। अभी आपको पता चला कि हजरत उस्मान की शादी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी से कर दी। एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे बता दूं कैदियों के हवाले से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कैदियों के पास आए ना और आपने उनका जायजा लिया, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि अगर आज मुतअम बिन अदी जिंदा होता और मुझसे एक दफा इन कैदियों का रहाई का मुतालबा करता तो मैं इन सारे कैदियों को रिहा कर देता। हालांकि उन कैदियों से तो बड़े बड़े फिदिये मिलने थे, बड़ा इस्लाम को फायदा होना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि एक दफा मुतम बिन अदी अगर मुझे आके कहता तो मैं उसके कहने पे इन सबको आजाद कर देता। कौन था मुतम बिन अदी जिसके एहसान आपको इतना था? ये बदर से ना कुछ दिन कुछ हफ्ते पहले ही फौत हुआ था। मुताम बिन अदी, शाबाश। हाँ, बहुत सारे इसके काम है मुताम बिन अदी के, और ये याद रखें कि ये कुफर पे ही इसकी मौत हुई थी, ये कोई मुसलमान नहीं हुआ था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी बड़ी बात इसके बारे में कही जबकि वो फौत भी हो चुका है, ठीक, इससे पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कितना रिगार्ड करते थे। क्योंकि थ्रू आउट मक्की पीरियड इसने इस्लाम की, मुसलमानों की यानी मदद करने की भी कोशिशें हुई, लेकिन जो मुजालिम मुसलमानों पे होते थे जैसे शेबी अबी तालिब में जब मासूर थे, तो उस वक्त भी बायकॉट भी जब हुआ ना तो ये पेश पेश था बायकॉट कराने में। और फिर दूसरी ये बात एक और थी कि जब जैसे आप बता रहे कि ताइफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की पनाह चाहिए थी मक्का में एंटर होने के लिए, और कितने लोगों को पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाए हजरत बिलाल के जरिए, कोई कुछ कह देता था, कोई कुछ कह देता था। इसने कहा कि मैं पनाह दूंगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं ऐसे नहीं, तुम अपने बेटों को लेकर आओ। तो इसने अपने बेटों को, इसके बहुत सारे बेटे थे, उनको हथियार पहनाए, हथियार उन्होंने सजाए, और वो सारे आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए, और ये एंटर हुआ फिर मक्का में आपको लेकर, और इसने कहा कि आप तवाफ करें, और बेटों को कहा कि खड़े रहो इनके लिए, और सबको ऐलान किया कि अगर किसी ने इनको नुकसान पहुंचाया तो मुझे नुकसान पहुंचाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे इसका जैसे एक एहसान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये बात वहां पे फरमाई, वहां पे तो मुतमिन नदी था भी नहीं, फिर क्यों ये बात फरमाई बताएं? एहसान का बदला एहसान, हल जजाउल एहसानी इल्ला एहसान। एहसान का बदला चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, एहसान का बदला एहसान। अब ये जो हम कह देते हैं ना कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह सकते थे, तो क्या इसने क्या मुझे पनाह दी? अल्लाह ने पनाह दी है ना, असल तो अल्लाह की पनाह है, इसकी क्या पनाह की बात है? वालदेन का जैसे, अब वालदेन के साथ एहसान करने का कहा गया, अब कोई कहे मुझे तो अल्लाह ने पैदा किया ना, वालदेन का क्या एहसान है? अल्लाह ताला बताते हैं कि इंसानों में भी जो सबब बनता है ना, उसका एहसान मानो। अल्लाह ताला तो करने वाला है, लेकिन अल्लाह किसी को सबब बनाता है, और जिसको सबब बनाया उसका एहसान मानो। एक मुशरिक होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहसान मांगा, ये नहीं फरमाया कि तो काफिर है, मैं इसका क्या एहसान मांगू। उसने मक्की जिंदगी के अंदर ये जो भी एहसान किए थे, वो कोई मुसलमान थोड़ी हुआ था, जब मुसलमान ही नहीं हुआ तो हमने इसको क्या करना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहसान माना। आज भी मैं आपको ये बगैर किसी उसके कहती हूँ, ये जो आज हम अपनी, यानी अगर किसी मुल्क ने हमें नौकरी के लिए वीजा दिया, किसी मुल्क ने हमें अपने मुल्क में आने की इजाजत दी, पनाह दी, या तालीम के लिए हमें अपने मुल्क में आने दिया, तो ये एक एहसान है। उसका बदला ये नहीं होना चाहिए कि आप तखरीबी कार्रवाइयां शुरू कर, आप उनके जड़ें काटना शुरू कर दें, आप बद्दुआएं करें कि हाय काश ये बस मिट जाएं किसी तरह, क्योंकि ये काफिर हैं। क्या हमें सीरत से यही सबक मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे काफिरों के साथ भी उसने सलूक किया। उतबा बिन रबिया के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो ऐसे काफिर थे, हर काफिर एक लेवल का नहीं, कई होते थे जो दुश्मनी करते थे, उनके साथ भी आपने देख लिया, और वो उनकी दुश्मनी भी कैसी थी वो भी आप जानते, और कई तो जो आम सलूक रखने वाले थे, यानी कोई ना मुखालफत थी और ना ही कोई बहुत अच्छा था, और कई थे जो आउट ऑफ द वे भी जाके मुसलमानों के लिए करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान को याद रखने वाले थे, चाहे वो एक काफिर का ही एहसान क्यों ना हो। तो याद रखें कि हम, हमारे साथ भी अगर कोई काफिर भी एहसान करता है, तो उस एहसान को एहसान समझे, फिर आगे हूं करके ये ना कहें कि बस अल्लाह ने किया ना, हम क्यों इनका समझे, और अब हम इनके लिए बुरे जज्बात रखें, ये तो मुनाफ़कत है। ऊपर ऊपर से तो आप स्माइल करें और अंदर से आप कहें कि मैं इनकी जड़ें कटे किसी तरह, ये तो मुनाफ़कत है। और आप नहीं देखते कहीं पे भी सीरत में मुनाफ़कत, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या जो सहाबा कराम हैं, जो दिल से हैं वो इस मुंह पे, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे और हम तो आपके जैसे और आपके साथ हैं, और अंदर से इतने बुग्ज़ और कीने रखें, ये सीरत में कहीं नहीं मिलता। मोमिन जो होता है वो एक चेहरे वाला होता है, दो चेहरों वाला नहीं होता। तो इसलिए हमें सीरत से देखें कैसे कैसे सबक मिलते हैं, हमें ये भी पता चलता है हमने काफरों के साथ कैसे सलूक करने हैं, उनके साथ कैसे मामलात करने हैं, जो कैदी हैं उनके साथ कैसे मामलात करने हैं, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। और आज आप हमारे मुल्कों में भी देखेंगे जेलों में कैदियों के साथ क्या सलूक होते हैं, मुसलमान हो के भी, काफिर को तो दूर की बात छोड़े, हमने उनको क्या दर्स पढ़ाने हैं, हमें तो खुद ही नहीं पता कि हमारे नबी की सीरत क्या है। तो बहुत सारे सबक हैं इसमें, अल्लाह ताला हमें सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, और सीरत पे वाकई जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी उसके मुताबिक हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि।